छोड़ी। हाँ घर को पकड़ने गई। क्या कर रही हूँ? कीचड़ में सब पैर हो गए होंगे उसके, इसीलिए। हाँ भाई, हाँ सूखा था, बारिश हो बहुत गंदे हो रहे हैं। चलो सफाई करो यार, अजीब आदमी हो तुम यार। देखिए दोस्तों, आप बादलों की आवाज़ सुन सकते हैं। बादल जो है आसमान को घेर चुके हैं और हल्की सी उमस भी है और हवा भी चल रही है हल्की सी। उम्मीद है बारिश होगी और ये हमारे बच्चे जो हैं हमारे एंजॉय करेंगे। लेकिन ये बादल की आवाज़ सुन के थोड़ा सा सहम रहे हैं। जो सुनो ये देखिए हमारे सोनू साहब कैसे उचक उचक के खा रहे हैं। सोनू उधर नहीं, सोनू उधर नहीं जाना है, वापस आओ। चलो ये तो आ गया वापस, वो नहीं आ रहा। सोनू फिर से ये देखिए हमारे सोनू साहब क्यों भीगने के लिए गए मुझे नहीं पता, लेकिन चले गए भीगने के लिए। बहरहाल सोनू आ जाओ बाहर, अब इतना मत भीगो। सोनू बेटा भीग जाओगे, जल्दी से आओ, जल्दी से आ जाओ यार। अच्छा भैया कैमरा बंद करके इनको लाता हूँ मैं पिंजरे में, न भीग जाएंगे। और बादलों का गरजना जो है वो ज्यादा तेज हो गया है और बारिश की बूंदें भी पड़ी हैं और इनकी मस्ती भी देखने हमारी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं बारिश पड़ने पर क्या रिएक्शन रहता है इन लोगों का, क्योंकि अभी जो बूंदें पड़ी हैं बहुत ही हल्की थी, बहुत ही हल्की, इंसान भी नहीं समझ पाएगा जल्दी। और बारिश जो है थोड़ा तेज़ हो तो फिर उससे पता लगेगा। वैसे तो पानी से लोग भागते ही हैं। लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये, इसीलिए तो बिल बना के रहते हैं कच्ची मिट्टी में, गीली मिट्टी में। परेशान हो चुका हूँ बारिश की वजह से। ये लोग आए थे लेकिन फिर वो उधर चला गया है,
ये देखिए उधर भाग के चला गया, ये मेरे लिए बहुत पेनफुल चीज होगी। अब देखिए इसको कैसे मैं उधर से लाऊं, मेरे लिए तो बहुत दुश्वारी हो रही है। क्यों भीग रहा भाई आखिर ये, सोनू जल्दी से आओ, सोनू सोनू आ जाओ यार, ऐसे में क्या घास खाने की जरूरत, इधर आओ। हाँ वाह वाह वाह, हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो चलो, अच्छा वहीं चले जाओ कोई बात। देखिए हमारे सोनू साहब भी गए हैं नहाने के लिए, सोनू आ जाओ जल्दी से, शायद अब बारिश से परेशान हो गए इसलिए अंदर चले गए। ये देखिए हमारे सोनू साहब थोड़ा बारिश में मस्ती करते हुए, बारिश हो रही और बीच में है इसका मतलब थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए बारिश पड़ रही है देखिए, और इसमें मस्ती कर रहे हैं। वो उधर एक खरगोश चला गया, उधर लिया उधर से, देखो है उधर है, घुमा उसके पीछे से, आगे से उसको हकाना, सामने से नहीं, मतलब उसके आगे जाके तब वो भागेगा इधर। ये देखिए हमारे सोनू साहब अच्छी खासी मस्ती कर चुके हैं बारिश में, ये देखिए बारिश पड़ रही है और ये मस्ती कर रहे हैं। तो बहुत ही हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो गई हैं और हमारे टोनू साहब यहाँ आ गए हैं। अब टोनू साहब को उधर जाने के लिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो फिर तो चल रही हो, नहीं नहीं उधर मत जाओ। ये देखिए हमारे टोनू और सोनू कैसे एक्सप्लोर करते हुए इस सुहावने मौसम में, बारिश का मौसम हो रहा है, अभी बारिश के आने का इम्कान है बल्कि उम्मीद भी है। ये देखिए देखिए हमारा द एक्सप्लोरर कहाँ चला गया,
ये देखिए अंदर, निकलो बाहर, बाहर निकलो। ये देखिए हमारे दोनों साहब दूब खा रहे हैं, दूब की घास जो बकरियों को भी बहुत पसंद होती है। हमारे टोनू साहब कैसे जुटे पड़े हुए हैं। मजे आ रहे भाई। टोनू ये देखे गुलाब खाया जा रहा साहब, गुलाब जैसे लोग गुलाब खा रहे हैं। ये देखिए हमारे सोनू साहब सफाई करते हुए, सफाई कर्मी की तरह, माली की तरह। लेकिन भाई साहब जो यहाँ पौधे लगाए गए उनको नहीं खाना है आपने, उनको भी खा लिया। आप जो वेस्ट चीज़ है जैसे दूब है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे हमें बिरयानी पसंद है, वो आपकी बिरयानी है, वो आप खाइए ना। चलिए हमारे सोनू साहब जो हैं इनका नाम डोंट टच मी है, और हमारे टोनू साहब हैं ये द एक्सप्लोरर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं दोनों लोग। और लेकिन एक बार फिर से ये इधर आने की कोशिश इन्होंने की है, जो नाकाम कर दूंगा मैं इनको। चलो उधर ही चलो, अरे ये तो अंदर चला जाता है, देखो। चलो ये नहीं, पानी आप मत डालिए, नहीं उस पर डाल दीजिए तो वो बाहर आ जाएगा। बस लिमिट हो गई, आ जाइए। अंदर नहीं जाते, लौट आते खुद ही जब आवाज लगाओगे। टोनी खा रहे हैं कुछ यार, सिर्फ टहल ही रहे हैं। तो भाई साहब काम करना है, ये माली को हमें नहीं बुलाना है, दोनों लोग मिलके करो काम। हाँ वो कर रहा है, देखो सोनू को देखो।